मेरा सवाल है ये फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड एक्सपीरियंस इन्वेस्टर, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू रीडिप्लॉय द मनी व्हिच इज इन द मल्टी कैप फंड इनटू बेटर फंड? इज इट व्हेन द मार्केट इज इन दिस सिचुएशन, जब ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ गिरा हुआ है, उस वक्त अच्छा टाइम होता है चेंज करने का, या जब क्योंकि हमें पता रहेगा कौन सा फंड बेटर किया कम गिरा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल क्या है, म्यूचुअल फंड के पैसे एयर इंडिया जैसे नए आईपीओ में लग सकते हैं क्या? कैन दे इन्वेस्ट इन न्यू आईपीओ? थैंक यू। दूसरा सवाल आसान है, मैं पहले ले लेता हूँ कि म्यूचुअल फंड आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एयर इंडिया का आईपीओ नहीं आ रहा है। एयर इंडिया को लॉक स्टॉक बैरल बेचने की कोशिश की जा रही है। पिछले कई सालों में जो कोशिश की गई वो उसमें सरकार सफल नहीं हो पाई। अब दोबारा कोशिश की जा रही है कि कोई एयर इंडिया का खरीदार मिल जाए जो कि एयर इंडिया को खरीद पाए, जिसमें कि सरकार की भागीदारी भी रहेगी लेकिन सरकार का मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रहेगा। इस तरह से बेचने की कोशिश की जा रही है। आज जैसे माहौल में वो बिक पाना या नहीं बिक पाना ये पता नहीं, संभव है कि नहीं, लेकिन अधिकतर म्यूचुअल फंड आईपीओ में पैसा लगाते हैं। और पिछले दिनों जो कुछ बड़े आईपीओ आए हैं या पॉपुलर आईपीओ आए हैं उनमें अधिकतर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया था। आपका पहला सवाल कि मल्टी कैप फंड में, फिर जब भी आप कोई फंड में इन्वेस्ट करें और आपको लगता है कि वो जो कारण जिस वजह से आपने इन्वेस्ट किया था वो बदल गए हैं, आपने एक अच्छे फंड की उम्मीद की थी और वो फंड उतना अच्छा नहीं है, तो आपको बदलना चाहिए। और अगर आपके पास उसके सॉलिड रीजन है तो तुरंत बदलना चाहिए, चाहे बाजार अच्छा हो या बुरा हो। तो और आज के दिन ये करना थोड़ा आसान है क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स की आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। बाजार जिस स्तर पे है पता नहीं कम मुनाफा होगा, और जब कम मुनाफा कम हो तो एक तरह से ये भी आपके लिए एक इंसेंटिव होता है कि अभी आपके ऊपर कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं होगा। जिस दाम पे आपने खरीदा था उसके अराउंड या थोड़ा बहुत नुकसान पे या थोड़ा बहुत फायदे पे आप बेच रहे हैं तो टैक्स इम्प्लीकेशन कुछ खास नहीं होगा। लेकिन आप बेहतरी के लिए कभी भी बेहतर फंड चुन रहे हैं और पिछले आपने जो फंड चुना था वो अगर उचित नहीं है या आपको किसी वजह से पसंद नहीं आ रहा है या वो खरा नहीं उतरा तो बदलना चाहिए।